स्टूडेंट्स क्लास 5, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 3 ऑफ यूनिट नंबर 1 मैथमेटिक्स. सो स्टूडेंट्स ओपन द पेज नंबर 14, लुक एट दिस प्रैक्टिस ऑन फिल इन द मिसिंग नंबर्स. मिसिंग नंबर्स में पार्ट ए में देखें, हम इस नंबर को पढ़ लेते हैं 591,458. फिर एक नंबर हमारे पास स्किप है, देन थर्ड नंबर पढ़ते हैं 591,434, 591,437. इन दोनों नंबर से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हमें काउंटिंग, कुछ काउंटिंग बैकवर्ड जाके हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे. स्किप काउंटिंग हुई है, कितने नंबर से स्किप काउंटिंग है वो हमें कैसे पता चलेगा, इन दोनों नंबर्स का जब हम डिफरेंस लेंगे. अब आप ये देखें, जो नंबर हम सेम है हम उसको टच नहीं करते, जैसे 59414 सेम है, यहाँ पे भी 5914 सेम है. अब हम इसको टच नहीं करते, हम देखते हैं 44 जो लास्ट नंबर है और इसका 37, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. इन दोनों में डिफरेंस हमें पता चल जाएगा तो हमें ओवरऑल नंबर में डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना आया. चलें 44 और 37 का डिफरेंस यहीं पे निकाल देते हैं. इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस का आया 7, यानी कि 7 नंबर, ईच नंबर में से 7 नंबर माइनस करेंगे तो हम मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर देंगे. जैसे 591,458 है, इसमें से अगर हम माइनस 7 करते हैं तो आप रफ करके खुद देखेंगे कि क्या आ रहा है नंबर 507. स्किप करते हैं ना, बैकवर्ड जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें ना ग्रेटर नंबर है, फिर आगे स्मॉलेस्ट की तरफ मूव किया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आया 7 का. तो डेट इज, अब यहाँ पे क्या बनेगा, 458 है, 58 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 51. ये हमारे पास आ गया मिसिंग नंबर, क्योंकि पहले चार नंबर सेम थे 5914. ठीक है, अब 44 ऑलरेडी की बना, अब फिर भी हम काउंट करके देख लेते हैं, 51 से बैकवर्ड जाते हैं, 51, 50, 49, 43, 49, 48, 47, 46, 45, 44. 7 नंबर्स बैक गए हुए हैं तो 44 आया, उससे बैक गए हैं 7 नंबर्स तो 37 आया. अब 37 में से 7 माइनस होंगे तो कितना डिजिट बैकवर्ड जाएगा, क्या आएगा, 591,430. Is that clear? अब इसमें से 30 आ गया लास्ट डिजिट हमारे पास, 30 में से 7 माइनस करेंगे, 7 नंबर बैकवर्ड जाएंगे तो क्या आएगा 591,430 माइनस 7 23. ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखें. नेक्स्ट पार्ट आप इसी तरह ही देख के खुद सॉल्व करेंगे. यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 59, यहाँ पे क्या है 54, दोनों में कितना नंबर का डिफरेंस आ रहा है 5 नंबर का, तो 5 नंबर्स बैकवर्ड, 49 से बैक 5 माइनस करेंगे तो आप बैकवर्ड खुद मिसिंग करके मिसिंग नंबर्स को सॉल्व करेंगे. नाउ कम टू द पार्ट सी. पार्ट सी देखें, 1 1 1 2 1 मल्टीप्लाई हुआ है, 1 1 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है. आप अपनी आसानी के लिए रफ वर्क में इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसी से समझ आ रही है. आप ये देखें, 1 1 है तो इसका आंसर 1 होना दिया है. अगर 2 1 है, 2 1 एंड 2 1 मल्टीप्लाई हुए हुए हैं तो हम इसको 2 टाइम लिखेंगे, 1 काउंटिंग के साथ लिखेंगे, कितने 1s हैं, 2 हैं तो 1 2 लिखेंगे, देन हम अगेन लास्ट पे रिपीट करना शुरू हो जाएंगे. क्योंकि ये देखें, 2 1 है हमारे पास, 2 1 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुए हैं, यानी कि हम काउंटिंग लिखेंगे 1 2, क्योंकि 2 1 थे, 2 तक हमने बात खत्म कर दी, फिर आगे फिर बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएंगे 1 2 1. इसी तरह ही आप 3 3 पार्ट देखें, यहाँ पे आपको इससे ज़्यादा समझ आएगी. 3 1s हैं तो हमने काउंटिंग करनी है 1 2 3, इसका आंसर किस तरह लिखेंगे हम 1 2 3, फिर आगे बैकवर्ड काउंटिंग, 3 के बाद 2 1, ये इसका आंसर होगा. अब आप इजीली इसको 4 नंबर्स वाले को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. कितने नंबर्स हैं, 1 4 टाइम है, तो हम आंसर इसका किस तरह लिखेंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, फिर आगे बैकवर्ड जाएंगे 4 से 3 2 1, ये इसका आंसर होगा. 5 टाइम दिया हुआ है तो 5 टाइम काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर आगे 5 से बैकवर्ड जाते हुए 4 3
2, 1. अगर आप इसको वैसे भी सॉल्व करना चाहते हैं रफ वर्क के तौर पर आप कर सकते हैं, लेकिन ये मेंटली आपने इस तरह सॉल्व करना है और ऐसे टू द पॉइंट आंसर लिख देना. नाउ कम टू द पार्ट डी. यहाँ पे आप एक ट्रायंगल गिवन है, जैसे कि कॉर्नर्स पे आप देखें कुछ नंबर दिए हैं 5, 4, 3, ठीक है, और सेंटर में उसके कुछ आंसर्स दिए हुए हैं. बिग ग्रेटेस्ट नंबर है 12, 15 एंड क्वेश्चन मार्क, यानी कि लास्ट ये वाला हमें नंबर नहीं दिया, वही हमें फाइंड आउट करना है. तो हम इसका एक रूल बनाते हैं. सपोज करते हैं, अब हमें नहीं पता इन्होंने उन्होंने कैसे किया हुआ, हमारा जो अंदाज़ा ये देखें सिंपल वे है. फर्स्ट कॉर्नर दूसरे कॉर्नर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसका आंसर उन्होंने सेंटर में लिखा हुआ आ रहा है. 5 × 3 डैट इज 3 × 5 इज 15. इसी तरह ही इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिला कर देखते हैं, 3 × 4 इज 12. अब जाहिर सी बात है ये दो कॉर्नर्स मिलके आंसर हमें मिल रहा है, तो थर्ड पार्ट एग्जैक्टली यही होगा कि 4 × 5 इज 20. ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया. सेकंड पार्ट को अब देख लें, किस नंबर से मल्टीप्लाई, इसको असेंडिंग ऑर्डर की तरफ हम लेके चलते हैं. सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है यहाँ पे, 6 का 24, यानी कि 6 के टेबल पे हमने देखना है, 6 के किस टेबल पे, 6 का टेबल हमने वहाँ तक पढ़ना है जहाँ पे 24 आता है. डैट इज 6 × 4 इज 24. अब आगे देखते हैं कि 6 के टेबल पे 30 आता है, 6 × 5 इज 35, यानी कि 6 जो है 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 6 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसा ही है. 6 × 4 इज 24, 6 × 5 इज 30. ये देख लेते हैं ये क्या है. 6 के किस टेबल पे है, 6 × 7 इज 42. 6 × 4 इज 24, 6 × 5 इज 30, 6 × 7 इज 42. तो देन हमारे पास क्या मिसिंग नंबर है, इजीली हमें पता चल गया है, 6 × 6 इज हमारे पास मिसिंग नंबर है 36. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अरेंज करके हमने यहाँ पे 6 का टेबल काउंट डाउन कर लिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज 16. यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट पढ़ें, राउंड ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10. नियरेस्ट 10 मतलब 10th प्लेस पे हमने इसको राउंड ऑफ करना है. आप पिछली क्लासेस में भी राउंड ऑफ का मेथड सीख चुके हैं, जब आपको एक सिंपल इसका रूल है, इफ़ द नंबर इज ग्रेटर देन 5 देन इट विल बी राउंड ऑफ, इफ़ द नंबर इज ग्रेटर देन लेस देन उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिस डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10th प्लेस पे उन्होंने बोला है नियरेस्ट 10, तो यहाँ पे प्लेसेस काउंट कर लेते हैं, ये 1s है और ये 10th प्लेस है. फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 10th प्लेस पे जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो सबसे पहले हमने इसकी प्लेस ढूंढनी है. जब उन्होंने बोला कि 10, तो इसका मतलब 10th प्लेस हमारे पास ये है 2,834,982. अब हमने जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है उससे अगले वाला डिजिट देखने हैं, जिस प्लेस को हमने राउंड ऑफ करना है, क्योंकि 10th प्लेस को राउंड ऑफ करना है उससे अगले वाला डिजिट हमने देखना है. इट इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5, दैट इज 2 इज लेस देन 5. तो अगर ये नंबर लेस देन 5 होगा तो जो नंबर हमने राउंड ऑफ करना होगा उससे पिछले नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अगले वाला डिजिट 0 हो जाएगा, यानी कि प्लेस से अगले वाला डिजिट हम 0 कर देंगे. अगर लेस देन 5 होगा तो इस पे इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. जैसे 200, बाकी सारा नंबर हम ऐसे ही लिखेंगे, 2,834,980. हमने 8 को 8 ही क्यों लिख दिया, क्योंकि इस 8 से अगले वाला डिजिट लेस देन 5 था, तो पिछले वाला डिजिट 8 ही रहने दिया और अगले वाले डिजिट को हमने 0 बना दिया. इसी तरह ही आप इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, 4,000,000 है, 122,000 है, 865 है. अब इसकी 10th प्लेस क्या है, 6 से अगले वाला डिजिट क्या है, 5 या ग्रेटर देन 5, क्योंकि ये 5 है तो ये भी हमारे ये भी इजीली राउंड ऑफ हो सकता है. हमने डिजिट कौन सा देखना है, 10th प्लेस वाला, और अगले वाला डिजिट क्या है, 5. 10th प्लेस से अगले वाला डिजिट अगर 5 है तो पिछले वाला नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा और 5 वाला नंबर 0 बन जाएगा. जैसे 10th प्लेस वाला डिजिट 6 था, 6 बन गया 0,
सॉरी 6 बन गया 7 एंड अगला वाला डिजिट कन्वर्ट हो गया 0. सो हमारे पास नंबर क्या आ गया, क्योंकि टोटली राउंड ऑफ हो गया, अगला ग्रेटर देन 5 था या 5 था तो पिछले वाला नंबर राउंड ऑफ हो गया स्पेसिफिक डिजिट. इसी मेथड से आप 100 प्लेस वाले को भी राउंड ऑफ करेंगे और इसी मेथड से आप 1000 प्लेस वाले को भी राउंड ऑफ करेंगे. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.